हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्टडी कॉर्नर। और कॉलेज स्टडी कॉर्नर में हम अभी आप लोग को सिखा रहे थे बंगला बोलना। इसके पहले वाले वीडियो में, दोनों वीडियो में मैंने छोटे छोटे वर्ड्स बताया था जो हम लोग के डेली यूज में है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो आज हम सेंटेंस शुरू करते हैं जो कि हम लोग डेली यूज में बंगला में बोलते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में किसी से पहले फर्स्ट टाइम मिलते हैं दिन में तो गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और हिंदी में बोलते हैं सुप्रभात। उसी को बंगला में बोलते हैं, सुप्रभात को बंगला में बोलते हैं सुप्रभात। बड़ा श का उच्चारण होगा, ये ध्यान रखिएगा, शु स नहीं उच्चारण होगा, सुप्रभात सुप्रभात। जब हम लोग सुबह सुबह किसी से मिलते हैं तब हम लोग बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बंगला में बोलते हैं सुप्रभात। ठीक, उसके बाद कोई हमसे पूछता है आप कैसे हैं। जनरली हम लोग मिलने के बाद पहले यही पूछते हैं, विश करने के बाद आप कैसे हैं। तो आप कैसे हैं को बंगला में बोलते हैं आपनी कैमोन आछेन। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दी, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पे कै है तो ये पूरा कै नहीं बोलना, इसको आधे पे छोड़ना है। कै कै नहीं बोल के कै आपनी कैमोन आछेन। ठीक, अच्छा। अब अगर कोई हम लोग के बराबर के एज का हो या कोई छोटा हो उसको हम लोग बोलते हैं तुम, है ना। और बंगला में जो बराबर के एज का हो या छोटा हो उसको या तो तू ही बोलते हैं या तो तुम बोलते हैं। तो मान लीजिए हिंदी में अगर हम पूछ रहे हैं जैसे तुम कैसे हो, उसको बंगला में पूछेंगे तुमी कैमोन आछो, तुमी कैमोन आछो। या तो उसको पूछेंगे तुई कैमोन आछिस, जिससे हम लोग बहुत छोटा हो या बहुत ज़्यादा हम लोग क्लोज हो, बहुत ज़्यादा क्लोज हो उसको तुम ही नहीं बोलते हैं। एक तो बड़े को हमेशा आप नहीं बोलते हैं और आजकल तुम ही भी बोलते हैं क्योंकि तुम ही बोलने में प्यार दिखता है, तो तुम ही भी बोलते हैं। और छोटा हो या हमारे सेम उम्र का हो, हम उम्र हो, तो उसको तू ही बोलते हैं, तू ही कैमोन आशीष। तो जब कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, बदले में हम बोलते हैं मैं ठीक हूँ या अच्छा हूँ बोलते हैं। उसी को बंगला में बोलते हैं आमी भालो आछी, आमी भालो आछी, मतलब हम ठीक हैं। बंगालियों के लिए बहुत ही फेवरेट वर्ड है, बहुत ही फेवरेट वर्ड है, जो वर्ड दिन में सैकड़ों बार बोला जाता है बंगाली के घर में, और जो शायद उन लोगों के लिए सबसे फेवरेट चीज़ें हैं दुनिया में। चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, आप लोग बता देते हैं। और पता है वो वर्ड क्या है, वो वर्ड जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं चाय, उसी को बंगला में बोलते हैं चा। ये बंगालियों का सबसे फेवरेट वर्ड है, इसके बिना बंगाली जी नहीं पाते। बंगाली मतलब खाना पीना बस, और बिना चाय के तो कोई भी बात हो ही नहीं सकती है। चाय इज मस्ट, और बंगला में चा जिसे बोलते हैं, चा इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी बंगाली, बहुत जरूरी होता है। तो ये वर्ड तो सीखना बनता है, चाय को बंगला में बोलते हैं चा। और इससे रिलेटेड सेंटेंस आपको बताते हैं आगे चल के, अभी कुछ और सेंटेंस बताते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है घर में सब ठीक है। जब मैंने पूछ लिया, एक ये हो गए, हम कैसे बताए, जैसे आपस में मिलते हैं तो क्या क्या बातें होती है, आमी भालो आची, मैं ठीक हूँ। उसके बाद अगला पूछता है घर में सब ठीक है, हम लोग पूछते हैं तो आंसर है बाड़ीते शॉप, इसको बोलेंगे बंगला में बाड़ीते शॉप भालो, बाड़ीते शॉप भालो, घर में सब ठीक है बाड़ीते शॉप भालो। अब उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर पूछना हो कल कहाँ गए थे, उसी को बंगला में अगर कोई बड़ा हो हमसे, एज में बड़ा हो, रिस्पेक्टेड हो, तो उनको हम बोलेंगे काल कोथाय गेछिलेन। ठीक है, काल कोथाय गेछिलेन। और अगर जैसे जिसे हम तुम बोलते हैं उसे बोलना हो तो उसे बोलेंगे, और कोई हम उम्र हो जिसे हम तुम बोलते हैं ना, छोटा हो या हम उम्र हो, तो जिसको हम तुम बोलते हैं तो उसको हम बोलेंगे काल कोथाय गेछिले। ये जो है ना तुम वाला वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है, ये बहुत मीठा वर्ड है बंगला में तुमी, जिसको तुम ही बोलेंगे उसको बोलेंगे काल कोथाय गेछिले। छोटा है जिसको तू ही बोलती है उसके लिए सेंटेंस है काल कोथाय गेछिली,
काल कोथाय गेछिले। चलिए एक बार और बताएं, जो बड़ा है उनको बोलेंगे काल कोथाय गेछिले, मतलब कल आप कहाँ गए थे। अगर जो हम उम्र है उनको पूछेंगे काल कोथाय गेछिले, और जो छोटा है उसको बोलेंगे काल कोथाय गेछिले। चलिए आगे कुछ और सेंटेंसेस हम बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, जो हमने अभी बताया था आप लोगों को बंगाली के फेवरेट वर्ड चाय से हम कुछ सेंटेंस बताएंगे। तो एक सेंटेंस बहुत कॉमन सेंटेंस है, चाय पीनी है, जिसको बंगला में बोलते हैं चा खावे। हाँ, यहाँ पे एक बात बोलना जरूरी है, बंगला में पीने को भी खाना ही बोलते हैं। जैसे पानी पीना है तो बोलेंगे कि जल खाओ, ठीक है। पीना पीना वाला कोई शब्द है नहीं, बस खाओ, सब खाते हैं, पानी भी खाते हैं, चाय भी खाते हैं, ठीक है। तो चाय पीनी है उसको बोलेंगे चा खावे। उसका अगर कोई आंसर दे रहा है नहीं, चाय पी के निकले हैं, मोस्टली ये भी कॉमन सेंटेंस है। अगर आप किसी घर में जाइएगा और वो पूछता ही है कि चाय पीनी है चा खावे, तो हम लोग एक ही आंसर देते हैं, क्योंकि मालूम है हम जो अभी आंसर देंगे ना उसके बाद भी हमको चाय मिलनी ही है। उसका आंसर होता है ना चाखे बेरिए ची, नहीं हम चाय पी के निकले हैं। तो मतलब ये मालूम है सबको कि अगर हम ये भी आंसर देंगे ना कि नहीं चाय पी के निकले, और बंगला में मतलब बोलेंगे ना चाखे बेरिए ची, तो भी वो हमको चाय देगा ही। तो इसलिए सब बोलते हैं कि ना चाखे बेरिए ची। नेक्स्ट है, कितनी गर्मी है आज, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है ना, गर्मी में कितनी गर्मी है आज, तो उसको बंगला में बोलेंगे कतो गरम आज, या आज भीषण गरम, उसको भीषण गरम भी बोलते हैं, कतो गरम आज या आज भीषण गरम। अब कुछ वर्ड्स आपको बता देते हैं जो हम उस समय छूट गया था, बता देते हैं। अगर किसी पुरुष को, जेंट्स को हमको संबोधित करना है, अननोन जेंट्स को, ठीक है, उसको संबोधित करने के लिए क्या बोलते हैं, दादा। दादा मीन्स बंगाली कोई भी जेंट्स हो उसको दादा ही बोलेंगे, नहीं पहचानते तो कैसे बुलाए, कैसे बात करें दादा ये। और अगर युवती है, यंग गर्ल है जिसकी शादी नहीं हुई है, आप समझ रहे हैं युवती किसे बोलते हैं, हिंदी में सभी जानते हैं, उसको बंगला में संबोधित करेंगे दीदी बोल के, ठीक। और एवरी मैरिड वुमन, हर वो औरत जो भाभी की उम्र की है उनको बौदी ही संबोधित करेंगे, अगर शादी हो गई है तो युवती जिनकी शादी हो गई है तो उनको बौदी ही बोलेंगे, चाहे वो अगले से छोटा ही हो लेकिन उनको बौदी ही बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गया दादा, ये बौदी, और ये होगी दीदी। तो ये था आज के लिए, क्योंकि ज़्यादा सिखा देंगे फिर माइंड से तो ब्रेन वॉश होगा, कुछ रहेगा नहीं। तो धीरे धीरे हम आप लोग को सिखाते, आज कुछ सेंटेंस बता दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ सेंटेंसेस बताएंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है, रिस्पॉन्स भी हमको सही मिल रहा है, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माई वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, एंड देन दैट्स इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।